आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स, ठीक है। आज हमने कॉर्ड्स एंड सर्कल्स में काफी थ्योरम देखे हैं, आज हम एक नया थ्योरम देखते हैं। सपोज हमारे पास में टू कॉर्ड्स है, ठीक है। एक कॉर्ड हमारा ये है, ठीक है, दिस इज आवर ए एंड बी, ठीक है। एक कॉर्ड और है हमारे पास में यहां पर, सी एंड डी। कंडीशन एक ही है कि ये दोनों कॉर्ड्स आर सेम, इनके लेंथ क्या है, दोनों कॉर्ड्स के सेम है, यानी इक्वल कॉर्ड्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ये जो आर्क है ए से लेके यहां से दिस इस डायरेक्शन में और यहां पर कट करेंगे तो इस डायरेक्शन में, ये जो आर्क है ना, और यहां पर इस डायरेक्शन में और सी से इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये जो आपका आर्क है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, सेम एरिया रिमेन्स सेम, ठीक है। तो या हम अदर वे में इसको कह सकते हैं कि अगर टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल मीन्स टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द आर्क्स सबटेंड बाय दीज कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो सेम चीज हम लिखते हैं, क्या लिखना है हमको, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन अ सर्कल then the arc subtend by these chords are congruent, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो chords सेम है तो ये ask by this जो भी है ये क्या होंगे हमारे, they are congruent, ठीक है। दूसरा, अब ठीक है, अब इसको हम उल्टे वे में बोलते हैं, कन्वर्स वे में। तो कन्वर्स वे में क्या होगा, इफ द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट देन द टू कॉर्ड्स आर इक्वल। इफ द टू आर्क्स इन अ सर्कल, तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ इसको कन्वर्स भी बोल सकते हैं हम, तो हम यहां पर लिखते हैं, इफ टू आर्क्स सबटेंड्स इक्वल एरिया, या कुछ भी बोल सकते हैं, इक्वल एरिया बाय टू कॉर्ड्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। या अदर वे में आप दूसरा भी बोल सकते हैं, इफ टू आर्क्स
आर कॉन्ग्रेंट, आर कॉन्ग्रेंट, पहले से हमने बता दिया कि दोनों आर कॉन्ग्रेंट हैं, देन द टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ या टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपका एक थ्योरम हुआ। नेक्स्ट थ्योरम, अब हम आते हैं एंगल्स में, ठीक है। ये कॉर्ड्स की बारी आ गई, अब हम आते हैं एंगल्स में। तो एंगल्स के लिए हम एक पहले सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर इज ओ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरम हमारा कहता है कि यदि आप एक एंगल बनाते हैं, दिस इज आवर एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमारा है ए, ये है बी, तो हमारा एंगल क्या हो गया, ए ओ बी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम बोलता है कि यदि आपने एक और एंगल बनाया, एक और एंगल बनाया मींस आपका ए दिस पॉइंट इज आवर डी, दिस पॉइंट इज आवर डी, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप ध्यान से देखो, अगर ए और बी में हमने एक डॉटेड लाइन बना दी, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, या अदर वे यू कैन से दिस इज वन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा वन सेगमेंट है, इसके ऊपर जो पार्ट है दिस इज अवर सेकेंड सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, ठीक है। तो हमारा ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि आपका एक एंगल है और रिमेनिंग सेम सेगमेंट में, रिमेनिंग सेम सेगमेंट में आपने दूसरा एक एंगल बनाया विच टचेस सर्कल, विच टचेस सर्कल, तो क्या होगा आपका एंगल ओ और एंगल डी, क्या होगा आपका ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल से डबल होगा, यानी कि सेंटर वाला एंगल आपका डबल होगा साइड वाले एंगल से, दैट मींस आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ इज इक्वल टू टू एंगल डी, टू एंगल डी, ठीक है। यानी कि ये वाला आपका डबल होगा इससे, सपोज ये अगर आपका 80 डिग्री से है, ये अगर आपका 80 डिग्री से है तो ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, या अदर वे आप बोल सकते हो एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ओ, हाफ ऑफ एंगल ओ, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई कि अगर आपका सेंटर में एक एंगल है तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेगमेंट बना रहे हैं, तो एक कॉर्ड बनाया हमने, कॉर्ड से हमने क्या किया, सेगमेंट्स डिफर कर दिए। अगर सेम रिमेनिंग सेम सेगमेंट में, रिमेनिंग सेम सेगमेंट में यदि एक एंगल बनता है विच टचेस द सर्कल, तो वो एंगल क्या होगा, सेंटर सर्कल से हाफ होगा, सेंटर सर्कल से हाफ होगा, याद रखना है आपको, हमेशा सेंटर वाला हमेशा बड़ा होगा और साइड वाले हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारा
किस तरह से हम इसको लिखेंगे देखते हैं। अब हम लिखते हैं द एंगल सबटेंड्स बाई एन आर्क द एंगल सबटेंड्स बाई एन आर्क है ना, बाई एन आर्क एट द सेंटर सेंटर में बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द He is double the angle, है ना, सेंटर वाला डबल है, इससे इज डबल द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क at any point on the remaining part of the circle ठीक है, हमको समझ आ गया। The angle subtended by an arc, ये हमारा एक आर्क है, इसने एक एंगल बनाया, That angle कहां पर बनाया, at the center is double the angle subtended by an arc at any point on the remaining part of the circle ठीक है, आपके दो थ्योरम्स हो गए। थर्ड थ्योरम हमारा क्या बोलता है देखते हैं। एक सर्कल हम और बनाते हैं, ठीक है, सेंटर इज ओ। अभी हमने एक एंगल बनाया ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे एक एंगल, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी ठीक है। अब हमने क्या किया, रिमेनिंग पार्ट में हमने दो या तीन एंगल्स और बनाए, तो हमारा कैसे आएगा देखते हैं। सेम पॉइंट ए एंड बी से ही बनाना है हमको, ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट हुआ ठीक है। नेक्स्ट एक और बनाते हैं हम, ये हमारा डी पॉइंट हो गया ठीक है। अब हमने इस थ्योरम में पढ़ा है कि ये जो सेंटर वाला है इससे ये वाले एंगल्स क्या होंगे, हाफ होंगे, है ना,
लेकिन ये थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि यदि आप कितने भी नंबर ऑफ एंगल्स बना लो, यहां पर नंबर ऑफ एंगल्स बना लो रिमेनिंग पार्ट में, तो क्या होगा आपका, ये सब एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, एक और बना लेते हैं हम यहां पर, ये हमारा ई पॉइंट, तो क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, सेम एंगल्स, ठीक है, सेम एंगल्स बनेंगे, एंगल्स चेंज नहीं होंगे, कितने भी एंगल्स आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कितने भी एंगल्स इसके अंदर बना लो आप, ठीक है, तो ये एक हमारा थ्योरम है। ठीक है, तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, एंगल, हमारा थ्योरम बोलता है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो हमारा सेगमेंट क्या हुआ यहां पर, ठीक है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट में जितने भी एंगल्स बनाओगे आप वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक्सेप्ट सेंटर, एक्सेप्ट सेंटर, ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, हो गया आपका। एक थ्योरम और है, एक थ्योरम और है आपका, क्या है कि यदि आपने सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाया विच टचेस द सर्कल देन दैट एंगल इज अवर 90 डिग्रीज, दैट एंगल इज अवर 90 डिग्रीज, ठीक है, तो हम उसको इसमें बनाते हैं, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक डायमीटर बनाया, तो अब कितने सेमी सर्कल हो गए हमारे पास में, एक सर्कल में टू सेमी सर्कल्स, दिस इज आवर फर्स्ट सेमी सर्कल, एंड दिस इज आवर सेकेंड सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अवर एक्स एंड दिस पॉइंट इज अवर वाई, एक्स एंड वाई से आपको एंगल्स बनाने हैं विच टचेस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल इन दिस वे और इन दिस वे, देन दैट एंगल इज 90 डिग्रीज, यानी कि ऐसे, ये हमारा एंगल क्या होगा, जेड एंगल इज 90 डिग्रीज, इज 90 डिग्रीज, ठीक है, अब एक और बनाते हैं हम यहां पर, जेड डैश इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, जेड डैश इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, ठीक है, हम लोगों को ये चीज याद रहेगी, क्या हो गया, सबसे पहले तो कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स है,
तो आर्क्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका, अगर आपका सेंटर में जो भी एंगल है और रिमेनिंग पार्ट में अगर आपने कोई भी एंगल बनाया तो कितना होगा वो, जस्ट हाफ ऑफ दैट। इसमें क्या है आपका, रिमेनिंग पार्ट में आप कितने भी एंगल्स बनाएंगे दैट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, डायगनल है, डायगनल में आपने जितने भी एंगल बनाएंगे डायमीटर से जितने भी एंगल्स बनाएंगे दैट एंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्रीज। ठीक है, अब